हेलो फ्रेंड्स, हम जो है मेंसुरेशन की सेकंड क्लास कर रहे हैं आज, और इसमें हम सिलेंडर को बहुत अच्छे से समझेंगे। 3D में है पूरा, मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए 3D डिज़ाइन थोड़ा सा किया है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और इससे पहले जो मैंने क्लास मेंसुरेशन दी है, आपने अगर वो नहीं देखी हो तो उसको जाकर देखो, ये कहीं नहीं जाएगी ये वाली क्लास। और उसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है कि वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं और ये सब चीज़ें। अभी इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ये करनी है कि जो RPSC SCF FRO के कैंडिडेट हैं मैथ ऑप्शनल के, उनको तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। साथ में जो KVI CSSC के लिए जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और 2 महीने हैं, उनको चीज़ें नहीं समझ में आती, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ आता है, दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो प्लीज़ इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो, गारंटेड है कि इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ अच्छे से देखो और शेयर करो, आपका कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना। आप टेलीग्राम का चैनल है, उस पर जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ इससे पहले वाली वीडियो में, उसका आंसर करना। हम बात कर लेते हैं यहाँ सॉलिड स्पेयर की। लाइव क्लास हो रही है, जिसको भी जो भी आपको क्वेरीज है वो आप चैट पर पूछ सकते हो। ये जो है एक स्पेयर है सॉलिड, यानी ठोस बेलन है। अब इस ठोस बेलन में मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किसी भी वॉल्यूम यानी कि 3D वाली फिगर में हम कोई भी पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको हम एक सिंगल वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंगल वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी केवल 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, वो है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक है वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें लेटरल सरफेस एरिया की। देखो, लेटरल सरफेस एरिया मैंने इससे पहले आपको बताया है कि कोई भी पर्सन जहाँ बैठा हुआ है उसकी ज़मीन और छत को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया होता है वो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। आप अभी रूम में बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे तो आपकी जो चारों दीवारें हैं वो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। आप जो छत देख रहे हैं ऊपर, जहाँ पर पंखा लगा हुआ, आपका जो बंद पड़ा हुआ है वो क्या है, वो, और आपका जो ज़मीन है उनको अगर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सेम इसमें क्या है, अगर कोई पर्सन, इसमें डिपेंड करता है कि वो बैठा कहाँ है, लेकिन इसमें जनरली हम क्या बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे इस तरह से, एक सिलेंडर है वर्टिकल, इसको रखेंगे और इसमें यहाँ पर जो पर्सन है उसको यहाँ हम अंदर बिठाते हैं इसमें। तो इसके लिए अब अगर आप सोच रहे हो कि अंदर कैसा देख रहा होगा, तो ये जो चारों दीवारें हैं, वॉल है, इसको ये क्या मानेगा, लेटरल सरफेस एरिया मानेगा। और इसमें अगर इसको, यानी कि इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को अगर जोड़ देगा तो क्या मानेगा, ये इसको टोटल सरफेस एरिया मानेगा। ये चीज़ तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं और अच्छे समझ लेते हैं। देखो, ये जो पर्सन है, ये अपने दोस्त के साथ जो खड़ा हुआ है, ये एक सिलेंडर को देख रहा है। मैंने ये दिखाने के लिए कि ये पर्सन यहाँ देख रहा है, अब मैंने इसको क्या, यहाँ से कट किया। ठीक है, बात समझना थोड़ी सी ढंग से। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद इसको यहाँ से पूरा बिछा दिया है इसको। तो ये जो पूरा घुमा हुआ फिगर है, ये क्या हुआ, इसमें आ जाएगा सीधा सीधा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, बिल्कुल सीधा सीधा सेम आ जाएगा। तो पर्सन अभी भी देख रहा है अपने दोस्त के साथ, ये इसका दोस्त है, ये पर्सन है और ये इसका दोस्त है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ क्या है, जब ये जो मैंने बिछाया है इसको यहाँ, ये जो पूरी चद्दर है ये बिछाई है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये 2πr है, सर्किल की क्या है, पेरीमीटर है। सर्किल की पेरीमीटर कितनी है, 2πr। तो ये बिचकर क्या जाएगी, यहाँ आ जाएगी, पेरीमीटर तो चेंज थोड़ी ना होगी, कट लगाया है उसने, कट लगाने के बाद सेम की सेम, ये देखो यहाँ से इसने क्या किया है, यहाँ से खोला है। अब इसको यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद ये जो है इधर से यूँ खोल दिया है, और खोलने के बाद यूँ बिछा दिया है। ठीक है, यूँ कट करो आप, कट करने के बाद सीधा सीधा बिछा दो। तो ये क्या हो गई, 2πr हो गई। अब ये 2πr हो गई, ये क्या है, हाइट है, हाइट है। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, यानी कि टोटल लेटरल सरफेस एरिया आएगा इसके लिए, तो ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, कितना आएगा इसका, 2πr। तो क्या हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी होगी, एच हो गई, 2πr इसके आगे इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों क्वेश्चन गए वो। अब देखो इसमें क्या है, हम टोटल सरफेस एरिया जोड़ रहे हैं, तो 2πr h + 2πr² क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 2πr² इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका। अब इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो वॉल्यूम मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो आधार होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसी के सारे 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 ऊपर जाता है, यानी कि एक साम्यावस्था को जनरेट करता है वॉल्यूम।
वॉल्यूम कैसे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोने में हमारे पानी भरा हुआ है और जो मिड में पानी नहीं है। कॉर्नर में जो है वो 1 मीटर तक पानी चढ़ गया लेकिन मिड में पानी नहीं आया, तो वो ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी ढलान हुआ, आपके घर की जो है ज़मीन ख़राब है इसका मतलब, ठीक है। अब आपको क्या है, जहाँ पर ज़मीन बिल्कुल प्लेन है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ कॉर्नर ही कॉर्नर में पानी जमा हो रहा है। वहाँ जो पानी होगा वो एक साम्यावस्था में रहेगा, लेकिन बढ़ेगा कैसे, परपेंडिकुलर बढ़ेगा ज़मीन का। यानी कि अगर ज़मीन जो है उसके टिल्ड नहीं बढ़ेगा कि आपके एक साइड से कम बढ़ रहा है दूसरे साइड से, वो हमेशा परपेंडिकुलर बढ़ेगा। तो परपेंडिकुलर बढ़ने का मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसके आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी हाइट के बराबर होगा। आधार का क्षेत्रफल कितना है इसके लिए, देखो ये क्या है, एक एक सर्किल था तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इससे पहले वाली वीडियो में, कि पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को एच बार जोड़ने की जगह हम इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया इसका वॉल्यूम आ गया, सिंपल सा कंसेप्ट था, छोटा सा, एक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ले लेते हैं हम होलो सिलेंडर। देखो खोखला बेलन, खोखला बेलन वैसा ही है सेम जो इससे पहले हमने ठोस बेलन किया था, बस थोड़ा सा एक छोटा सा फर्क है कि इसमें 2 रेडियस होती हैं, उसमें सिर्फ एक ही रेडियस होती है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है 2 रेडियस का, जो हम घरों में पाइप यूज करते हैं पानी वानी सप्लाई करने के लिए, तो वो क्या होते हैं, होलो सिलेंडर होते हैं, खोखले बेलन होते हैं। अब उनमें क्या है, देखो 1 रेडियस ये बाहर वाली जो है मैं R2 मान लेता हूँ, और अंदर वाली जो है वो R1 हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि R1 जो है इसमें समझने लायक कुछ नहीं था, अंदर वाली रेडियस R1 है और सिंपल सा बाहर वाली रेडियस जो मैंने R2 मानी हुई है। अब इसमें क्या है, देखो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसमें अगर मैं पानी भरूंगा तो वो कितना वॉल्यूम होगा। देखो पहली बात यह है, पानी जो भर रहा है वो केवल अंदर अंदर रेडियस तक रह जाएगा, आपको बाहर जाएगा ही नहीं, पानी बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर वाली रेडियस का एरिया कितना, पाई R1 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, h इंटू h है, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपका वॉल्यूम होगा जो पानी फिल कर सकते हैं जिसमें हम, पाई R1 स्क्वायर इंटू h, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि इसमें आपको इस मेटल, अगर ये मेटल का बना हुआ है तो ये मेटल का वेट कितना होगा या मेटल का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। वॉल्यूम पूछता है आपसे, और आपसे वेट पूछा हो तो वहाँ पे कहीं घनत्व वगैरह दे रखा होगा, बस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए देखो इसको ध्यान से देखो कि देखो बाहर अगर सिर्फ बाहर वाली प्लेट होती और इसकी कोई जैसे ये जो है इसकी थिकनेस है, अगर थिकनेस नहीं होती और सिर्फ बाहर वाली एक प्लेट होती सिंपल, और तो उसका वॉल्यूम कितना होता, पाई आर, अब बाहर वाला सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी मैंने R2 मानी हुई है, पाई R2 स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब अंदर वाला सिलेंडर है जिसमें पानी भर रहा है तो इसका क्या है, इसकी क्या होगी, पाई R1 स्क्वायर इंटू h, ठीक है। ये तो अंदर वाले का वॉल्यूम हो गया। अब जब बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो मेटल की क्या आ जाएगी, मेटल की वॉल्यूम आ जाएगी जो इसमें यूज हुई है, सिंपल सा हो गया। अब इसमें आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछता है अगर, तो कैसे करेंगे, इसमें तो छत भी नहीं है ज़मीन भी नहीं है, लेकिन है, आपको लग रहा है छत नहीं है ज़मीन नहीं है लेकिन है एक्चुअल में। पहली बात तो सबसे पहले निकालते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, अभी तक हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम निकाला था, अब निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखो इसको इसको यहीं पर कर लेते हैं, इसको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया होता है कि जो हम जहाँ बैठे हैं वो दीवारों का एरिया, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर वो ओपन है आपकी छत या ज़मीन तो आपका वो क्या है, बाहर चला जाएगा, यानी कि आपका जो पेंट होगा वो क्या बाहर बाहर भी होगा, ओके। यानी कि ये साइड होगी और आपकी अंदर वाली साइड भी होगी, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ओपन है तो आपको क्या है, दोनों साइड करना पड़ेगा। ये तो इसमें थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस है तो इसका मतलब ये है कि इसका टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, अगर कोई पर्सन इसमें यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है, ये समझो आप कि यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल इसके अंदर बैठा हुआ है, तो उसको लिए जो है लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। देखो उसकी ये लिए दीवार तो एक ये हो गई, एक ये होगी। हम कई बार ऐसे कॉरिडोर में जाते हैं जिसमें अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, एक अंदर जैसे आपने देखा होगा एवेंजर में एक है जिसमें थॉर बार बार घूमकर वहीं आ जाता है, तो ये क्या है, ये वही चीज़ है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो अंदर वाली वॉल का बना हुआ उन्होंने गोल बनाया हुआ है वो, और जो अंदर से बाहर वाली वॉल को देख रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कैसे निकालते हैं इसको, तो अंदर वाला कितना है, इसका अंदर वाला ये सर्किल जो है कितना है, 2πr है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम। अंदर वाले सिलेंडर को फिर से अगर इस तरह से कट करेंगे जैसे यहाँ पर किया था मैंने, तो वैसे ही क्या हुआ,
टू पाई आर इंटू एच, सेम कंसेप्ट लगेगा। अब इसमें क्या होगा, टू पाई आर वन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अंदर वाली रेडियस कितनी है, आर वन है इंटू एच, ये तो क्या होगा अंदर का हो गया। अब इसके अंदर जो पर्सन बैठा है वो बाहर वाले सिलेंडर को भी अंदर से देख रहा है, तो बाहर वाले सिलेंडर कितनी हो, टू पाई आर टू इंटू एच, आर टू इंटू एच, सिंपल, जैसे बाहर था वैसे अंदर। अब इनको क्या कर दो, इनको एड ज्वाइन कर दो, इनको जोड़ दोगे तो आपका क्या जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा आपको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें ज़मीन, अब देखो वो आदमी अंदर बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। इस जो अंदर परत है, ये अंदर जो एक तरह से समझ लो कि हो सकता है अंदर से खाली हो, ये ऊपर की छत वॉल उसने क्या कर रखी है, ढक रखी है। तो इसका एरिया कितना है, देखो इसका एरिया जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर रखा है, इसका एरिया कितना है, देखो इसमें क्या है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये सिलेंडर और एक ये। अब आपको क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है, ये कितनी है टोटल, अगर ये एक सर्किल होता तो इसका एरिया कितना होता, पाई आर वन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या है, मैंने बाहर वाली आर टू मानी हुई है, तो आर टू स्क्वायर, और अंदर वाला कितना, आर वन है माइनस के पाई आर वन स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका, ये वाला एरिया गया। यानी ये वाला सिलेंडर कौन सा है, ये वाला है, और आपका ये वाला सिलेंडर कौन सा है, बाहर वाला है। अगर इन दोनों में से एरिया घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये शेडेड एरिया आ जाएगा, जो ये छोटी सी जो है थिकनेस है। अब इन सब को आप अगर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट ये था कि आपको ये पता करना है कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको क्या पर्सन अंदर बैठाना है, इसमें यहाँ बैठाना है, जैसे थॉर एवेंजर मूवी में एक जगह घूमता है और वापस घूम घूम कर वहीं आ जाता है, थॉर सेकंड है कौन सी है मेरे को नहीं पता, लेकिन एक मूवी में है एक सीन ऐसा, तो ये चीज़ आपको वहाँ से पता लग जाएंगी, बहुत अच्छे से आप इमेजिन कर पाओगे। ये आपको इमेजिन हो भी गई होगी कि एक आप एक सिलेंडर की थिकनेस के अंदर बैठे हो, तो आपके लिए लेटरल सरफेस एरिया उस थिकनेस की जो अंदर वाली जो रेडियस होगी वो भी होगी, और बाहर वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर से आप देख रहे हो वो भी आपकी होगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल लेटरल सर्फेस एरिया आ जाएगा। इसके बाद अगर जो ज़मीन है उसका और ऊपर वाली का दोनों का जोड़ रहे हो। अब इसमें एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी कि ये तो क्या है, नीचे का आ गया, एक साइडेड आया, ऐसी कितनी दो साइडेड होंगी, तो दो जुड़ेगा इसमें, ये चीज़ हो गई, इसमें दो जुड़ेगा, ठीक है, ओके, दो से मल्टीप्लाई होगा कि एक इन, देखो ये वाली है एक और एक आपकी ऊपर भी है, दोनों होगी, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए क्या किया है, एक जो बिल्ली है इसको गिरा दिया था, बिल्ली गिरा दी, बिल्ली फंस गई। अब देखो बिल्ली जो है मैंने फंसाई तो कोशिश तो बहुत की है, लेकिन ये जो है थिकनेस के अंदर समा नहीं पाई, तो मैंने बेसिकली ये दिखाने के लिए कोशिश की है इसमें कि थिकनेस के अंदर जो बैठा हुआ पर्सन है या बैठी हुई बिल्ली है वो किस तरह से दिखेगी, ओके, ये चीज़ होगी। अब इसमें देखते हैं हमने क्या किया है, एक होलो सिलेंडर को हमने काट दिया है, कई बार हम पाइप को आधा काट देते हैं, तो देखो काट दिया है, तो इसमें आपसे पूछा है लेटरल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ और वॉल्यूम बताओ। अब आप समझ गए होंगे वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, वॉल्यूम तो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि अगर पानी यहाँ रखा तो ये तो फैल जाएगा, पानी पूरा इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, पानी तो रुक नहीं सकता, नहीं रुक सकता, इसका मतलब नो वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम नहीं होगा इसका। अब इसमें बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया की, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, इसका देखो कोई भी लेटरल सरफेस एरिया नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ओपन फिगर है, ओपन फिगर है, क्लोज फिगर होती तो हम कह सकते थे लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन ये ओपन फिगर है, तो इसका केवल एक ही एरिया आएगा, वो हुआ टोटल सरफेस एरिया। जिस फिगर को कोई भी क्लोजनेस नहीं होती या फिर जो फिगर ओपन होती है उसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं हो सकता, उसका हम सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये जो घूमा हुआ है आपको इसका एरिया पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना है आपका, अगर इसको हम इस तरह से खोल देते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये क्या है, देखो पूरा टू पाई आर वन है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर वन हो जाएगा, देखो आधा है पाई आर वन हो जाएगा, हमने इसको खोल दिया यहाँ पर पाई आर वन, टोटल क्या है, टोटल टू पाई आर वन है, और आपका ये क्या है, ये आपका आधा है यानी पाई आर वन है, तो हमने इसको ही तो यहाँ पर क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, खोल दिया है, यानी इसको क्या कर दिया है, इसको इस नीचे कर दिया है, इसको यहाँ से नीचे कर दिया है, तो ये कितना होगा, पाई आर वन हो गया। अब ये कितनी है, ये है आपकी कितनी, ओके सॉरी सॉरी, ये वाली आपको निकालनी है, तो ये कितनी है, ये कितनी है आपकी एच, वही सेम है, मैंने आप सिलेंडर को क्या किया है, जो ये सिलेंडर था इसको मैंने हॉरिजेंटल कर दिया है, ये कितनी है एच है, तो आपका ये एरिया कितना आ जाएगा, अंदर वाला आपका एरिया आ जाएगा टू पाई सॉरी पाई आर वन इंटू एच, तो
ये अंदर वाला एरिया आ जाएगा। अब इसमें बाहर वाला एरिया क्या होगा, सेम प्लस के पाई आर टू इंटू एच। अब इसके साथ दो तीन चीज़ें और रह गई हैं इसमें, एक तो ये रह गया है आपको ये वाली चीज़, ओके ये चौड़ाई रह गई है। अब देखो इसमें ये जो है लेंथ कितनी है पाई आर वन, और ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो कितना था आर टू था, यहाँ पर डॉट लग रहा है जो, और ये कितना था आर वन था, तो आर टू माइनस आर वन होगा, ये आर टू माइनस आर वन होगा, आर टू माइनस आर वन क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना आएगा, जो ये फिल वाला पार्ट है इसका एरिया कितना आएगा, प्लस के चौड़ाई लंबाई पाई आर वन, पाई आर वन इंटू आर टू माइनस के आर वन। सिंपल सा कुछ नहीं था इसमें। अब देखो लेकिन ये फिगर जो है वो दोनों साइड होगी, एक इस साइड भी होगी, तो इसको क्या कर देंगे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ये। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और बच गई है, वो बच गया है ये, देखो ये सिलेंडर जब कटा है तो कुछ इस तरह से कटा होगा, देखो मैं थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ, इसमें इस तरह से कटा होगा, ये देखो इस तरह से ये बन रहा है, ओके। तो यहाँ ये वाली फिगर भी होगी, हमने देखो ये वाली फिगर तो ले ली, ये है ये अंदर का एरिया और बाहर का एरिया ले लिया हमने ये दोनों। अब कि ये तो बच गया होगा, अब ये बच गया, हम ये कैसे निकालें, तो ये क्या है हाइट है, और ये क्या है आपकी आर टू माइनस आर वन, तो वही लगा दो सेम आर टू माइनस आर वन इंटू क्या है एच, लेकिन ये दोनों साइड है तो इंटू टू, ठीक है। सिंपल सा था चीज़ें, वैसे जैसे जैसे इसने बोलता गया वैसे वैसे हम करता गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सी कंसेप्ट था, आप इसको क्या है थोड़ा अच्छे से समझो, इसको समझ के इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करके एक बार खुद से करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें देख लिया नोट डाउन कर लिया काम चल गया, इसको अच्छे से समझो कि कैसे कैसे किया था, कैसे कैसे हमने समझा था, और जो उनको समझ में नहीं आया वो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा से समझ लो, ठीक है। ये चीज़ होगी, यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ हो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप थोड़ा फिगर को बस देखो, एनालाइज करो किस तरह से क्या हो रहा है, आपको इजीली चीज़ें हो जाएंगी। अब मैंने चलो अब इसको देखते हैं, देखो इसमें क्या है कि एक होलो सिलेंडर है और इसके ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है, बट आई थिंक मुझसे बनाते वो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये जो अलग कलर से था ये अलग से था, तो मैं इसे सही से नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि इसमें एक लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई है। चलो नेक्स्ट करते हैं इसमें, इसमें हमने क्या किया है, एक हेमी स्पेयर लिया है और जो है एक सॉलिड सिलेंडर लिया है। अब सॉलिड सिलेंडर और हेमी स्पेयर को हमने जोड़कर क्या बना दिया, एक बुलेट बनाती है, बुलेट होती है, गोली होती है, तो हमने वो बनाने की कोशिश की है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा इसका, देखो टोटल वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच हाइट है, आर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर एच इसका हो गया। इसके बाद ये क्या है हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर है, तो हेमी स्पेयर में कितना हो जाएगा, हेमी स्पेयर का कितना होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फुल स्पेयर का कितना होता है, चार बटा तीन पाई आर क्यू, तो हेमी स्पेयर का आधा हो जाएगा दो बटा तीन पाई आर क्यू, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब आपने देखो कि आपने गड़बड़ की है या नहीं की है, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है आप यूनिट चेक करो, टू एंड वन थ्री थ्री, ठीक है यूनिट सेम है, इसका मतलब सेम यूनिट में सेम चीज़ जुड़ सकती है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया, कोई चेंज नहीं है इसमें, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसमें लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया कब हो सकता है इसका, तब जब ये पर्सन इस बुलेट के अंदर बैठा हो, यानी कि यहाँ बैठा हो, यहाँ जब बैठा होगा तब ये क्या छत को क्या देख रहा होगा, ये देख रहा होगा, और आसपास की जो वॉल है उसको इस तरह से देख रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो वॉल क्या है, प्लेन है, मतलब सीधी है, सीधी है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया का क्या होगा, जैसा सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया था वही इसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। कितना आया था हमारा, टू पाई आर इंटू एच आया था। अब इसमें क्या चीज़ है हमारी, इसमें सेम जो सिलेंडर दे रखा है, जो सिलेंडर दे रखा है उसके ऊपर जो हेमी स्पेयर लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इसकी छत हो जाएगी। एक तरह से ऐसा समझ लो जैसे गुंबद है, कर्नाटका का जो गोल गुंबद है बीजापुर कर्नाटका का, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी छत हो जाएगी। अब छत हो जाएगी तो इस छत का एरिया कितना है, टू पाई आर स्क्वायर, टोटल स्पेयर का कितना होता है चार पाई आर स्क्वायर, तो एक हेमी स्पेयर का कितना हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, तो कितना, टू पाई आर स्क्वायर प्लस। अब इसमें ज़मीन है तो ज़मीन कितनी है, पाई आर स्क्वायर, मैंने ज़मीन आपको दिखाई थी, ज़मीन कितनी है, पाई आर स्क्वायर, सेम ऐसी ही है ज़मीन, तो पाई आर स्क्वायर इसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे,
तो इसमें ऐड कर दो 2πr² में ही, तो क्या कर देंगे 3πr², तो ये क्या हो गया आपका लैटरल सरफेस, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया तो यहाँ तक आ गया था, इसमें अगर 3πr² को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका। कोई चेंज नहीं है इसमें, जैसा पहले किया था वैसे ही कर रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं है ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने और चेंज लिया है क्या, कि एक हेमी स्पेयर को, सॉरी खोखले स्पेयर को, खोखले स्पेयर को हमने खोखले सिलेंडर के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया है। खोखला स्पेयर कैसा होता है, जैसे बॉल है ठीक है, बॉल है तो वो क्या एक एक स्पेयर है, लेकिन स्पेयर क्या एक ठोस गोला होता है, एक खोखला गोला होता है, तो वो एक क्या है खोखला गोला ही है। तो हमने क्या आधा खोखला गोला लिया है, लेकिन इसकी क्या है थिकनेस है, थिकनेस कितनी जितनी इसकी है। अब इसका क्या आपको वॉल्यूम तो पता ही है, इसका आपको वॉल्यूम पता है, और वॉल्यूम पता होने के बाद आप इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। किस तरह से, देखो बाहर की रेडियस तो मैंने R2 मानी थी सेम, अंदर की क्या मानी थी R1 मानी थी, तो बाहर का क्या हो जाएगा 4/3πr³, क्या हो जाएगा बाहर का R2³, क्या हो जाएगा बाहर का वॉल्यूम हो जाएगा। अगर इसमें से हम इनसाइड का वॉल्यूम घटा देते हैं ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा ठीक है, अगर मेटल के वॉल्यूम की पूछ रहा है तो वो 4/3πr₁³ क्या हो जाएगा मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। मेटल का वॉल्यूम ये रहा, और आपको इससे पहले मैंने इसका वॉल्यूम निकाला हुआ है इसकी मेटल का, तो आप इजीली दोनों की जो क्या है मेटल का वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा है इसमें पानी कितना भरेगा, पानी कितना भर सकता है वो, तो कितना होगा देखो यहाँ तक अंदर का तो हम निकाल कैसे निकाला था हमने πr₁² × h, ये तो अंदर हो गया वॉल्यूम जिसमें पानी भर रहा है, और प्लस इसमें और भरा जाएगा। अब ये कितना भरा जाएगा, ये देखो एक तरह से R1 का एक छोटा सा आधा गोला है, इसमें आधा गोला है तो आधा ही निकलेगा 2/3πr₁³, इसका क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। एक छोटा सा R1 का आधा गोला है, और आधे गोले के वॉल्यूम कितना होता है 2/3πr³, यहाँ पर रेडियस कितनी R1 है, बाहर वाली रेडियस कितनी R2 है, तो आपका क्या है इसमें जितना पानी हम भर सकते हैं वो ये हो जाएगा। और ये कितना मेटल रखती है, तो इसका मेटल प्लस ये मेटल और हो जाएगा, ये कौन सा मेटल है जो ये वाला मेटल है ठीक है। ये चीज़ सेम हो गई, कोई चेंज नहीं है इसमें, सब कुछ कर सकते हो, उसमें सब कुछ निकाल सकते हो आप ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है आपको। अब इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप इसको अटेम्प्ट करो अच्छे से करो, और आपसे देखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा तो आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप सेंड कर सकते हो, मैं उसका आपका सॉल्यूशन दे दूंगा वहाँ पर। अगर कोई कैंडिडेट देता है मुझसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक दिन में आपको सॉल्यूशन मिनिमम दे दूंगा ठीक है। तो आप डिस्कस वगैरह कर लीजिए वहाँ पर, और कोई आपको क्वेश्चन लगता है ऐसा तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपको हो सकता है बदले में कोई नया क्वेश्चन भी मिले। तो गुड लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक, और मैं नई चीज़ें धीरे धीरे कराता रहूँगा आपको, आपका कोर्स कवर हो जाएगा डेफिनेटली। ओके बेस्ट ऑफ लक।